मरहबा फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी अपनी समीरा अजीज सऊदी मीडिया से और मैं चेयरपर्सन हूं समीरा अजीज ग्रुप ऑफ कंपनीज की। ये वीडियो बहुत अहम है उन लोगों के लिए जो उम्रे पे जाना चाहते हैं। जो लोग उम्रे पे जाना चाहते हैं उन्हें चाहिए कि वो अपने लिए उम्रा परमिट नुस्ख प्लेटफॉर्म से जारी कराएं, और इसके अलावा जो लोग विजिट वीजे पर भी आते हैं उनको भी चाहिए कि वो उस प्लेटफॉर्म पे अपने आप को रजिस्टर करवाएं। मस्जिद नबी की जियारत के लिए भी वो नुस्ख प्लेटफॉर्म से अपने लिए परमिट जारी करा सकते हैं, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है। मैं आपको बता दूं कि सऊदी वजारत हज और उम्रा ने उम्रा जायरीन के लिए उनके उम्रा परमिट के लिए मोबाइल एप्लीकेशंस लॉन्च कर रखी हैं जिनके नाम है नुस्ख और अतमरना। उम्रे की अदायगी के लिए खुद को रजिस्टर कराना, परमिट लेना बहुत जरूरी है, और जिन लोगों को कोरोना है वो उम्रे की अदायगी के लिए नहीं जा सकते। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि आपने ये करना कैसे है। सबसे पहले आपने अतमरना नुस्ख एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, और ये एप्लीकेशन मौजूद है एंड्रॉइड और आईफोन दोनों के लिए। इसके बाद आपने अपनी लैंग्वेज यानी कि अपनी जबान सेलेक्ट कर लेनी है। आप कोई सी भी अपनी चॉइस की जबान को मुंतखब कर सकते हैं। इसके बाद आपने अपना इकामा नंबर या आईडी नंबर एंटर कर देना है, और वही वाला पासवर्ड आपने उसमें सेट करना है जो आपने अपने अपशर के लिए भी सेट किया हुआ हो। अगर आप अपना उम्रा परमिट अपने बीवी बच्चों के साथ लेना चाहते हैं, आपके ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से बड़ी हो, तो फिर आपने उनको रजिस्टर कराना होगा अतमरना एप्लीकेशन में। अतमरना एप्लीकेशन में अपनी फैमिली को, अपने बीवी बच्चों को ऐड करने के लिए आपको इन 3 आसान से स्टेप्स पर मुश्तमिल प्रोसेस से गुजरना होगा। आपको अपने अपशर अकाउंट में लॉगिन करना होगा, और अपशर अकाउंट का एड्रेस है www.apshar.sa। फिर माई सर्विसेज पे जाकर आपने सर्विसेज में क्लिक करना है। फिर आपने जनरल सर्विसेज को सेलेक्ट करना है। फिर रजिस्टर अ मोबाइल नंबर फॉर तवक्कल नंबर आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, और अपना इकामा नंबर या आईडी नंबर या बॉर्डर नंबर जिसे रगमल हदूद भी कहते हैं वो एंटर कर देना है। बॉर्डर नंबर या रगमल हदूद क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। ये दरअसल सऊदी इमिग्रेशन अथॉरिटी का तफवीद करदा 10 डिजिट्स पर मुश्तमिल एक यूनिक नंबर होता है। नए वीजा पर सऊदी अरेबिया आने वाले हर पासपोर्ट होल्डर को ये नंबर तफवीद किया जाता है, जिसको इमिग्रेशन ऑफिसर अपने हाथ से लिख देता है। इसके बाद आपने अपना कैलेंडर टाइप जॉर्जियन सेलेक्ट कर लेना है, और आपकी डेट ऑफ बर्थ जो आपके इकामे या आईडी कार्ड पर दर्ज है वही वाली डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आपने अपना नया मोबाइल नंबर एंटर कर लेना है, ये मोबाइल नंबर इससे पहले आपके अपशर अकाउंट में रजिस्टर्ड ना हुआ हो। आगे आपने तमाम टर्म्स एंड कंडीशन पर एग्री करना है, और नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपने एक सेपरेट अकाउंट, एक मुख्तलिफ अकाउंट क्रिएट करते हुए अपने बीवी और बच्चों को, अपनी फैमिली को तवक्कलना एप्लीकेशन में रजिस्टर कर देना है। तवक्कलना एप्लीकेशन में सेपरेट अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं ये मैं आपको किसी दूसरी वीडियो में बताऊंगी, वरना आपकी अटेंशन यहाँ डाइवर्ट हो जाएंगी या आप कंफ्यूज हो जाएंगे। उन तमाम रिलेटेड वीडियोस का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अब इसके बाद आपने नुस्ख एप्लीकेशन को ओपन करना है, और उम्रा अपॉइंटमेंट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपने ऐड कंपेनियन पे जाकर उनका इकामा नंबर और डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देनी है। इसके बाद आप ऐड पर क्लिक कर लेंगे, तो फिर अतमरना एप्लीकेशन आपको ये शो करेगी कि आपकी वाइफ और चिल्ड्रन यानी कि आपकी फैमिली एडेड हो चुके हैं। अगर आपके तवक्कलना में एरर आ रहा है और फैमिली एडेड नहीं हुई है, तो उसके लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल की सेटिंग्स में जाकर क्लियर कैश करें, फिर नेटवर्क 4G सेलेक्ट करें, और उसके बाद अपने मोबाइल को रीस्टार्ट करें। फिर भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो contact@tawakkalna.gov.sa पर राबता करें। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप एक सिंपल प्रोसेस से गुजर कर उम्रा अपॉइंटमेंट या उम्रा परमिट जो है नुस्ख एप्लीकेशन के जरिए कैसे हासिल कर सकते हैं। नुस्ख एप्लीकेशन में बुकिंग करने के लिए सबसे पहले आपको क्लिक करना होगा उम्रा पर। इसके बाद आपने अपने कंपेनियंस को जो आपके साथ उम्रा करने जा रहे हैं उनके लिए अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए सेलेक्ट करना होगा। फिर आपने जिस टाइम पर उम्रा करना है उसके लिए टाइम एंड डेट सेलेक्ट करनी है जॉर्जियन हिसाब से। पहले आप केयरफुली जो है वो डेट सेलेक्ट करेंगे, और फिर अपना मुनासिब टाइम सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको मक्का में अपना असेंबली पॉइंट सेलेक्ट करना है, मतलब कि आप कहाँ पहुँचेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको कुदई सेंटर सेलेक्ट कर दिखाया गया है। बस इतना ही। इसके बाद आपको उम्रा परमिट अतमरना एप्लीकेशन के जरिए जारी कर दिया जाएगा। आप चाहें तो अपनी ट्रांसपोर्टेशन फीस भी अदा कर सकते हैं, मगर ये ऑप्शनल है, मतलब कि आप पर मुनसर है। अब सवाल ये है कि विजिट वीजा होल्डर्स के लिए उम्रा परमिट कैसे निकल सकता है।
अगर आपके फैमिली मेंबर्स विजिट वीजा पर सऊदी अरेबिया में मुकीम हों तो आप उनके उमरा अपॉइंटमेंट के लिए एतमरना ऐप के जरिए अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने फैमिली मेंबर्स की पासपोर्ट डिटेल्स के जरिए उनको नुसुक ऐप में रजिस्टर कीजिए। याद रखिए कि हर विजिटर फर्द का अलहदा अलहदा सेपरेटली एतमरना ऐप और तवक्कलना ऐप में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इसके बाद नुसुक ऐप के जरिए उमरे के लिए परमिट लेना, अपॉइंटमेंट लेना, उसका तरीका वही है जो मैंने आपको पहले बताया है। एक अहम बात और बता दूं कि जो अकामा होल्डर्स हैं वो विजिट वीजा होल्डर्स को अपने कंपेनियन के तौर पर एतमरना एप्लीकेशन में शामिल नहीं कर सकते, ऐड नहीं कर सकते। जिस दिन का उमरा परमिट आपने हासिल किया है, अगर आप उस दिन और उस वक्त उमरा अदा करने नहीं जा रहे हैं और वो उमरा परमिट इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं, तो मैं आपको ये एडवाइस करूंगी कि आप अपना वो उमरा परमिट कैंसिल करवाइए। अगर आप खुद तो उमरा करने जाना चाह रहे हैं लेकिन आपने जिसको अपने साथ ऐड किया है यानी आपके जो भी फैमिली मेंबर हैं आप उसका परमिट कैंसिल करवाना चाहते हैं, तो बस आप उसी का ही परमिट सेलेक्ट करें। या अगर आप अपना कैंसिल करवाना चाह रहे हैं लेकिन आप चाहते हैं कि दूसरा आपका फैमिली मेंबर जो आपके साथ ऐड है उसका परमिट कैंसिल ना हो, तो आपने उसका नहीं बल्कि अपना सेलेक्ट करना है। कहने का मतलब यह है कि आपने सिर्फ वही परमिट सेलेक्ट करना है जिसको आपने कैंसिल करवाना है, बाकी जो एडेड या शामिल शुदा परमिट्स होंगे उन पर कोई कैंसिलेशन नहीं आएगी। उमरा परमिट कैंसिल करने के लिए एक बहुत ही छोटा सा आसान प्रोसेस है जिसके लिए आपने करना यह है कि अपनी एतमरना एप्लीकेशन आप ओपन करें और क्लिक करें परमिट्स पर। इसके बाद आपने वो वाला परमिट सेलेक्ट करना है जिसको आपने कैंसिल करना है और फिर आपने कैंसिल परमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। ये लीजिए, परमिट हो गया कैंसिल। That's it, आपका उमरा परमिट कैंसिल हो चुका है। अब आप अपना उमरा परमिट तवक्कलना एप्लीकेशन के जरिए भी रीशेड्यूल कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको बहुत ही अहम बात ये बता दूं कि कोई भी फर्द एहराम में मस्जिदुल हराम में दाखिल हो और उसके पास वैलिड उमरा परमिट नहीं हो तो उसमें फाइन्स हैं 10,000 रियाल के जुर्माने लगेंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि पहले आप अपना उमरा परमिट हासिल करें और तभी जाएं। घबराइए नहीं, आप उस जुर्माने पर ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं, उसका तरीका मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। याद रखिए कि जो भी कानून बनाए गए हैं वो नज़्म व ज़ब्त के लिए बनाए गए हैं और उन कानून पर अमल दरामद करना और उनका एहतराम करना जरूरी है। एक और बहुत अहम बात आपको बताऊं कि रोजाना सऊदी टाइम 12:01 पर नुस्ख एप्लीकेशन और तवक्कलना एप्लीकेशन में उमरे की अदायगी और रोजा मुबारक में विजिट के स्लॉट्स दस्तियाब हो जाते हैं। लिहाजा अगर आपको उसी दिन या अगले दिन फौरी तौर पर इजाजत की जरूरत हो, परमिट हासिल करने की जरूरत हो, तो आप ठीक आधे घंटे के वक्फों से चेक करें। जैसे अगर आपने 10:31 पर चेक किया है तो फिर आप 11:01 पर चेक करें, या फिर आप 11:31 पर चेक करें, उसके बाद फिर आप 12:01 पर चेक करें, और फिर आप 12:31 पर चेक करें, वगैरह वगैरह। याद रहे कि ये बहुत महदूद, बहुत ही लिमिटेड उमरा के परमिट के लिए स्लॉट्स खुलते हैं, लिहाजा आप इसको जल्दी जल्दी लगातार चेक कर देखें और फिर फौरन से बुकिंग कर लीजिए। उमरा परमिट बिल्कुल फ्री है, इनकी कोई फीस नहीं ली जाती। एक अहम बात और कि आपके लिए उमरा परमिट निकालने के बाद वक्त की पाबंदी करना भी बहुत जरूरी है, यानी जिस वक्त के लिए आपने अपना उमरा परमिट हासिल किया है ठीक उसी वक्त आप जरूर पहुंच जाइए। नज़्म व ज़ब्त को कायम रखने के लिए सिस्टम में उमरे के वक्त और तारीख में तरमीम की गुंजाइश नहीं है। अगर आप वक्त और तारीख में तरमीम करना चाहते हैं तो आपको अपना वो उमरा परमिट पहले मनसूख करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा। मनसूख करने के बाद, कैंसिल करने के बाद नया परमिट जारी कराया जा सकता है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि जो मनसूखी या कैंसिलेशन की जो कार्रवाई है वो परमिट का वक्त शुरू होने से पहले ही करवाई जा सकती है। ऐसा ना हो कि आपका वक्त गुजर गया, आप रास्ते में लेट हो गए और उसके बाद आप अपना परमिट कैंसिल कराने की कोशिश कर रहे हैं तो वो परमिट आपका एक्चुअली में जाया हो जाएगा। और हाँ, एक और भी बहुत अहम बात कि अगर आपने अपना उमरा परमिट कैंसिल करवाया है और नया परमिट जारी कराने के लिए आपको मजीद स्लॉट नहीं मिल रहा है तो दिल बर्दाश्ता ना हो बल्कि कोशिश जारी रखें। एक मजीद अहम बात ये भी है कि रमजान के महीने के दौरान किसी शख्स को एक से ज्यादा उमरे की अदायगी की इजाजत नहीं है। वजारत हज और उमरा ने कहा है कि माहे रमजान में तमाम लोग सिर्फ एक बार ही उमरा अदा करें और
और वो लोग दूसरों को भी उम्रा अदा करने का यूं मौका दे। अब बहुत ज्यादा हुजूम बढ़ गया है और बस एक बार आप अपना उम्रा अदा कर लें ताकि दूसरे लोग जो पहली दफा उम्रा कर रहे हैं या बाहर से उम्रे अदा करने आए हैं उनको इत्मीनान से, सुकून से, नज़्म व ज़ब्त के साथ उम्रे की अदायगी का मौका मिल सके। जी जनाब, तो आई होप कि मैंने आपको दी है बहुत सारी मालूमात। मैं फिर आऊंगी फिर मिलूंगी किसी नई अच्छी सी वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।